Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. कराची में नजम सेठी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। यहाँ आया हूँ और मैंने आते सार चीफ मिनिस्टर मुरादरी शाह साहब से मुलाकात की है और मैं आपको बता दूं कि मुलाकात का ऑब्जेक्टिव यही था कि हम फरवरी में यहाँ पीएसएल के कम से कम दो अप टू फोर मैचेस कराना चाह रहे हैं और उस सिलसिले में हमें पुलिस और रेंजर्स और हुकूमत की सिक्योरिटी और अदर फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है और मैं आपको बता दूं कि बहुत ही अच्छी मीटिंग रही। शाह साहब कहते हैं कि जो जिस चीज़ की भी ज़रूरत है वो मुहैया करेंगे, उन्हें एहसास है कि ये एक बहुत बड़ी ख्वाहिश है, दिली ख्वाहिश है सिंध के लोगों की, कराची के लोगों की, कि कराची में नेशनल स्टेडियम कराची में क्रिकेट बहाल हो और वो हमारी पूरी इमदाद करेंगे, पूरी मदद करेंगे। उस सिलसिले में उन्होंने एक की अपने असिस्टेंट को पॉइंट पर्सन बना दिया फॉर पीसीबी एंड दिस टास्क और आज कर्नल आजम हमारे जो सिक्योरिटी के डायरेक्टर हैं उनकी मुलाकात आज अभी होने वाली है आईजी साहब के साथ और उसके बाद उनकी मुलाकात है डीजी रेंजर्स के साथ। तो इसका मतलब है सिलसिला शुरू हो चुका है सिक्योरिटी प्लान बनाने का। इसकी अहमियत ये है कि टाइम बहुत थोड़ा है हमारे पास, चार दिन के बाद इंटरनेशनल आईसीसी की टीम के जो हेड हैं वो आ रहे हैं यहाँ और हम चाहेंगे कि उनकी ब्रीफिंग यहाँ हो जाए ताकि रास्ता के लिए वो ग्रीन लाइट दे दें। तो उस सिलसिले में अब चार दिन के अंदर अंदर सिंध हुकूमत ने, रेंजर्स ने, पुलिस ने मिलके एक प्रेजेंटेशन बनानी है सिक्योरिटी की और वो प्रेजेंटेशन 22-23 तारीख को आगे देनी है टू द इंटरनेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट और उसके बाद तीन चार माह हैं जिसके अंदर उसको इम्प्लीमेंट करना है उस प्लान को और तैयार करना। तो ये सिलसिला तो शुरू हो चुका है आज से ही। इसी तरीके के साथ कराची स्टेडियम का बहुत बुरा हाल है। अब ये क्यों है ये सब आप जानते ही हैं, इसकी मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है इस एरिया में, मगर अब वक्त आ गया है इसको ठीक करने का। हमने तो, मैं काफ़ी अरसे से कह रहा हूँ कि हमने बजट तो बना लिया है मगर टाइम बहुत लग रहा है उसमें। हमने टेंडर फ्लोट किए थे मगर वो जो पार्टी सेलेक्ट की गई उसमें कुछ कैलकुलेशंस में उन्होंने गलत सबमिशंस की थी जिसकी वजह से फिर वो टेंडर कैंसिल करना पड़ा। आपको एहसास होना चाहिए कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड टेंडर है ये, बिकॉज स्टेडियम की बहाली है, 1.5 अरब रुपए के लगभग बजट है इसके लिए और छोटी छोटी बहुत सी चीज़ें और इसके लिए पूरी कमेटी बनी थी जिसने देखा और फिर वो टेंडर कैंसिल करना पड़ा क्योंकि उसमें कुछ खामियां थी, लोगों ने सही तरीके से हमें नहीं बताया था। अब फिर वो टेंडर होने जा रहा है और मगर उससे और वो टेंडर शुरू हो गया और नेस्पाक, मेरा ख्याल है कि नेस्पाक ने वो टेंडर जो है वो जीत लिए। अब वो नेस्पा के साथ मिलके हमने दो प्लान्स बनाने हैं। एक है वो लॉन्ग टर्म प्लान जिसमें 1.5 अरब रुपए के लगभग का बजट है, कुछ कम है शायद उससे, जिसमें हमने ये सारा स्टेडियम करना है मगर उसमें तो साल डेढ़ दो साल लग जाएंगे। तो हमें तो अब पीएसएल के लिए 4 महीने के अंदर अंदर स्टेडियम की ज़रूरत है। तो हमने नेस्पाक से बात की है, एक सर्वे भी यहाँ कर लिया हमने और हमारी कोशिश है कि मिनिमल काम जो हो सकता है जिसके ज़रिए हम इस स्टेडियम को तैयार कर सकते हैं फरवरी के लिए, वो उसको फौरी तौर पे शुरू किया जाए। उसके लिए पहली टीम हो गई है और इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम वो काम भी शुरू कर देंगे। तो ये तो हो गया स्टेडियम का सिलसिला, सिक्योरिटी का सिलसिला हो गया। तो ये मोटी मोटी बात थी जो कि आज डेवलपर्स थी। इसके अलावा आज एक मैंने इंटरव्यू करने थे कराची की एकेडमी को, अब हमने तैयार किया है सेंटर ऑफ एक्सेलेंस और मुदस्सर नजर साहब को यहाँ बुलाया था आज, वो अभी होके गए हैं। उन्होंने और मैंने तीन कैंडिडेट्स को इंटरव्यू किया एज हेड ऑफ़ दी सेंटर ऑफ एक्सेलेंस और अगले 3-4 दिन के अंदर अंदर वी विल अनाउंस द नेम ऑफ द पर्सन। सलीम जाफर साहब थे, आजम खान साहब थे और इकबाल कासिम साहब थे, तो इनमें से वन ऑफ दी थ्री विल बी अपॉइंटेड एज हेड ऑफ दी अकेडमी।
और साथ ही फिर रिक्रूटमेंट शुरू हो जाएगी और इंशाल्लाह मेरी अभी मुदसर से बात हो रही थी इसको जितनी जल्दी हो सके इसको ऑपरेशनलाइज किया जाए। मैं समझता हूँ कि लाहौर से भी ज़्यादा इसकी हमें इसकी अहमियत भी है और इसकी सख्त ज़रूरत भी है और ये ऑलरेडी मैं समझता हूँ 10 साल डिलेड है मगर देर आया दुरुस्त आया इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि इसको एक एक्टिव लाइवली और स्ट्रॉन्ग सेंटर ऑफ एक्सलेंस कराया जाए। तो ये भी आज का फैसला था ये भी आज हो गया। अब आपसे मुलाकात थी इसके अलावा आईसीसी की मीटिंग के ऊपर आपने सवाल तो करने ही है मगर मैं मुख्तसर पहले ही कुछ बता दूँ ताकि उसके ऊपर सवाल ना हो। वहाँ 2-3 हमारे जो इश्यूज थे एक तो ये था ये जो आईसीसी स्ट्रक्चर बन रहा है वहाँ आईसीसी ने ये फैसला किया है कि एक आईसीसी स्ट्रक्चर होगा जो कि आईसीसी कॉम्पिटिशन है वो सबको खेलनी पड़ेगी ट्रिलेटरल। उसमें अगर पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है तो इंडिया को खेलना पड़ेगा अगर इंडिया नहीं खेलेगा तो पॉइंट्स उसके निकल जाएंगे। दूसरा है बायलैटरल्स बायलैटरल्स जो है वो आईसीसी के स्ट्रक्चर के अंदर वो बायलैटरल ही रहेंगे। उन्होंने एक प्रपोज किया है एक स्ट्रक्चर जो कि उन्होंने सारे मेंबर्स को भेजा है कि ये हमारे ख्याल से इस तरीके के साथ रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स होने चाहिए। उसको अभी फाइनलाइज नहीं किया उसकी वजह ये है कि उसमें भी कुछ खामियां हैं बहुत से मेंबर्स को एतराज़ है छोटे छोटे पॉइंट्स के ऊपर तो वो अभी फाइनलाइज नहीं हुआ वो फाइनलाइज होगा मेरा ख्याल अगले 2-3 माह के अंदर अंदर अभी टाइम है बिकॉज दैट इज़ फॉर फ्रॉम 2019 to 2023 इसलिए उसमें थोड़ा सा टाइम है। हमारा इशू उसमें यह था कि उस जो हमारे लिए जो उन्होंने बायलैटरल प्रपोज किया उसमें उन्होंने हमें उतने मैचेस नहीं दिए जो कि मैचेस हमें ऑलरेडी जो हमने बायलैटरल अग्रीमेंट इंडिया के साथ साइन की हुई है बीसीसीआई के साथ जो एमओयू साइन किया हुआ उसके अंदर जो हमें मिले थे जो उन्होंने नहीं खेले मगर वो हमारे मौकफ ये है कि वो एक वैलिड डॉक्यूमेंट है और उसके अंदर हमें ज़्यादा मैचेस मिले थे और इस दफ़ा जो इन्होंने हमें मैचेस प्रपोज किए हैं वो कम हैं तो हमने ये कहा कि ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है हमें कम अज़ कम उतने ही मैचेस मिलने चाहिए जो हमारा पहले अग्रीमेंट चल रही है। दूसरा हमने ये कहा है कि अगर आप हमारी बात नहीं मानते और आप जाके कर देते हैं तो फिर जाहिर है कि अगर आप कर देते हैं तो हम कर तो कुछ नहीं सकते मगर ये है कि हमारा जो मौकफ है इंडिया के साथ जो हम लीगल केस किया हुआ है उसको हम प्रेजुडिस नहीं होने देंगे हम नहीं साइन करेंगे मगर वो हमारा जो केस है उसको हम बरकरार रखेंगे और इंशाल्लाह मेरा ख्याल है 10 जनवरी तक हम वो केस फॉर्मली आईसीसी के अंदर लॉन्च कर देंगे। उसकी पूरी तैयारी हो चुकी है आईसीसी को भी इस बात का एहसास है इंडिया को भी इस बात का एहसास है और अब वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में देर इसलिए हुई क्योंकि उसके अंदर तब्दीलियाँ आ रही हैं जो आईसीसी की डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी है उन्होंने कुछ रूल्स चेंज किए हैं हमें कोई इतराज़ नहीं है वो रूल्स अच्छे हैं और भी उसको इंडिपेंडेंट उन्होंने किया हम भी यही चाहते हैं कि जितनी ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो उतना बेहतर है वो तो ये मुख्तसर बातें थी। आई बी हैप्पी टू टेक योर क्वेश्चन एक एक करके जी 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 इस वक्त कजाकी स्टेडियम दुनिया के क्रिकेट के चंद अच्छे स्टेडियम में एक है और उसकी वजह यह भी है कि वहाँ पे वक्तन फवक्तन काम होते रहे बड़ी अच्छी बात है कि हम पक्ष से कह सकते हैं कि हमारे एक स्टेडियम है लेकिन उसमें जो प्रेस गैलरी बनाई गई है वो इस वक्त बहुत ही शानदार है और उसका लेआउट बहुत ही अच्छा है दुनिया के चंद अच्छे स्टेडियम में एक है लेकिन उसके अखराज पर अभी भी तहफात पाए जाते हैं। आप क्या समझते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन होगी नेशनल स्टेडियम कराची में कमोवेश 50 साल के बाद हमेशा होता है जी कोई नई बात तो नहीं और बताइए अकोमोडेशन है नहीं आजकल के जो प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं दे वांट फैसिलिटीज और वो फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है ऊपर से इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं है इसलिए ये सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। यकीन करें ये सारा वक्त वहाँ यही सोचते हैं कि ये इतने बड़े हमने चीज़ें बनाई नहीं है इस्तेमाल नहीं हो रही कैसे इस्तेमाल किया जाए मगर समझ नहीं आती कैसे इस्तेमाल किया जाए क्योंकि कोई जाने के लिए वहाँ तैयार ही नहीं है प्लेयर्स खेलने के लिए तैयार नहीं है फैसिलिटीज़ नहीं है वहाँ लोगों को ठहराने के लिए एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ और इतनी क्रिकेट है नहीं इस मुल्क में कि हम सारे स्टेडियम को टॉप ग्रेड लेवल पे इसको बनाएं और उनको सही रखें और मेंटेन करें तो ये सारा वक्त ये सिलसिला चलता रहता है और इस्लामाबाद में एक इनकम्प्लीट
ग्राउंड हमें मिली हुई है, बनाया कुछ नहीं, अब एनवायरनमेंट एजेंसी वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसी तरीके के साथ और भी इस किस्म की चीज़ें हैं, कुछ समझ नहीं आती कि क्या किया जाए। कोई कहता है जिसको लीज कर दें, किसी को दे दें, वो लीज वाली बात आती है तो कोई ना कोई रुकावट आ जाती है, वो कहते हैं नहीं जी नहीं ये नहीं देना, खर्चे हो रहे हैं लाखों रुपए के खर्चे हो रहे हैं, वहाँ स्टाफ रखा हुआ है, उनको पैसे दिए जा रहे हैं, बट दे आर नॉट बीइंग पुट इनटू यूज। कल रात को आपने कहा था कि आईसीसी की मीटिंग में वेस्ट इंडीज और श्रीलंका जो है बहुत खुश हुए थे सिक्योरिटी इंतजाम से, तो आप समझ रहे हैं कि वेस्ट इंडीज भी आने को तैयार हो जाएगा पीएसएल के बाद या उससे पहले? देखिए जी, मैंने कहा था कि श्रीलंका आएगा, वेस्ट इंडीज आएगी। श्रीलंका के चेयरमैन ने खुद श्रीलंका में अनाउंस किया था, उसके बाद डेव कैमरन जो प्रेसिडेंट हैं वेस्ट इंडीज के, वो लाहौर आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि वो आएंगे। अब इससे ज्यादा क्या बंदा कर सकता है कि अगर एक प्रेसिडेंट एक बोर्ड का कह रहा है कि हम आएंगे और फिर भी पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे। अब बात यह है कि वही हुआ, चार दिन मैं सुनता रहा कि जी श्रीलंका नहीं आ रहा, प्लेयर्स नहीं हो रहे, मैं कहता रह गया कि अरे भाई नहीं, पता नहीं ये कहाँ से खबरें निकलती हैं, कैसे ये होता है, कोई एक इधर से उड़ा देता है वो सारा मीडिया लेके चल पड़ता है। तो क्या है, मिल पता लग गया ना कि श्रीलंका आ रहा है। इसी तरीके के साथ वेस्ट इंडीज के साथ तय है ये बात कि वो आएंगे। अब सवाल ये है कब आएंगे, नवम्बर में आएंगे, दिसंबर में आएंगे? इस वक्त मैं आपको ऑनेस्टली बता दूँ, ये इशू नहीं है कि वो आएंगे या नहीं आएंगे, वो आएंगे और वो आके खेलेंगे। सवाल ये है कि कब आएंगे और हम फिर रेसिप्रोकल हम कब जाएंगे वहाँ। और प्रॉब्लम क्या आ रहा है इस वक्त, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ सारी असली बात, कि वो तो अभी आने के लिए तैयार है, वो कहते हैं हमसे पूछ रहे जी आप कब आएंगे। अब हम सारा अगला साल हमारे पास कोई टाइम ही नहीं है, हम इतने ऑक्यूपाइड हैं कि हमारे पास 3 हफ्ते की विंडो नहीं मिल रही, कहीं 2 हफ्ते की विंडो नहीं मिल रही, मौसम, उनके कमिटमेंट्स, हमारे कोई मिल नहीं रहा। तो हमने कहा कि हम 19 में आ जाएंगे इस टाइम पे, वो कहते हैं वो तो बड़ी देर हो जाएगी। तो हमने उनको कहा अच्छा फिर ऐसे है कि आप रेसिप्रोकल ना करें, आप आ जाएं हमसे बताएं कितने पैसे चाहिए, आप इसको वन ऑफ कर लेते हैं, और जब आपके पास हम आएंगे तो हमें आप इतने पैसे वापस कर दीजिएगा, हम आके खेल लेंगे। तो एक किस्म का, तो हम उनके साथ निगोसिएशन में हैं इस वक्त, आएंगे वो जरूर, क्या अरेंजमेंट होता है वो हो जाएगा अगले 8-10 दिन के अंदर अंदर, वो भी हो जाएगा आपको बता दें। बात हो रही है नेशनल क्रिकेट टी20 टीमें भी आ रही हैं, सब वेस्ट इंडीज भी आएगी, श्रीलंका भी आ रही है, लेकिन अगर डोमेस्टिक की बात की जाए तो यहाँ पर बोल पड़े कि यहाँ पर ना ही विकेटें सही है और बॉलें भी बहुत ज्यादा खराब हो रही है, जब हमारी गलती क्रिकेट ही सही नहीं है वहाँ पर भी हमें पता नहीं कैसे सही नहीं है, इसी ने आपको सारे प्लेयर्स दिए, अब आप कह रहे हैं सही नहीं है, मुझे नहीं समझ आती कैसे सही नहीं है। दो सवाल हैं बस, सिर्फ दो ही बाकी पूछो भी छोड़ दो या बाकी के जवाब आपके पास पहले ही हैं? हाँ जी जी बेटा, मुराद अली शाह साहब से आपने मुलाकात की है, लेकिन जो अगला सवाल उसमें ये बनता है कि इस चीज को किस तरह इंश्योर करेंगे कि फॉरेन प्लेयर्स जो हैं वो पीएसएल में आए, जैसे लास्ट टाइम भी जब फाइनल हुआ तो कुछ पुल आउट कर गए कुछ आ गए। दूसरा सवाल ये है कि कराची के एक प्लेयर हैं फवाद आलम, बहुत रोजाना मीडिया लिख रहा है, बोल रहा है, इंटरनेशनल मीडिया में भी आना शुरू हो गया, तो क्रिकेटिंग रीजन से तो वो पिछले 3 साल की परफॉर्मेंस पे जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं ड्रॉप नहीं होता, तो एक ये भी थ्योरी है कि कोई नॉन क्रिकेटिंग रीजन है जिसकी वजह से क्रिकेट बोर्ड उसको सिलेक्ट नहीं कर रहा है? दूसरे का तो बहुत आसान सा जवाब है वो ये जी, मैंने आपको पता है यहाँ पहले भी मैंने बहुत दफा कहा है, मैं ये कहता रहता हूँ कि क्रिकेट की जो अफेयर्स हैं उसके अंदर मैं मदाखलत नहीं करता, ये सबको पता है इस बात का कि जब सिलेक्शन कमेटी एक बना दी जो कि मैंने बनाई, उसके बाद वो क्या करते हैं उसके अंदर मैं मदाखलत नहीं करता। अब अगर इंजमामुल हक और उसके साथी फवाद आलम को नहीं सिलेक्ट करते, मैं नहीं जाऊँगा उनके पास कहने के लिए आपने क्यों नहीं सिलेक्ट किया, और अगर मैं जाऊंगा और वो जो भी मुझे जवाब देंगे मैं उसको ओवररूल नहीं करूंगा, ये मेरा फलसफा है, या तो मैं उनको तब्दील कर दूं जो मेरा हक है, मगर अगर मैंने तब्दील नहीं करना, मैं सवाल जरूर पूछ सकता हूं कि भाई मीडिया कह रहा है कि फलाने को नहीं, आप खुद जानते हैं हर सवाल के ऊपर हर बंदे का एक मौकफ बिल्कुल सॉलिड ही लगता है, फलाने को क्यों नहीं खिलाया वो जी ये वजह है, फलाने को खिलाया जी ये वजह है, तो मैं इन चीजों में पढ़ना नहीं चाहता। आप मेहरबानी करें ये सवाल इनसी को पूछें, प्रेशर डालें उसके ऊपर, अगर आपका ख्याल है कि फवाद डिजर्व्स इट
मगर मेरे मुझे ये सवाल करने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज मैं इसका जवाब दे ही नहीं सकता। दूसरा जो है आपका जो इशू, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है कि ये तो ठीक हो गया कि जी शाह साहब हमें यहाँ पूरी फैसिलिटीज देंगे, कुछ ना कुछ हम स्टेडियम भी ठीक कर लेंगे, मगर फॉरेन प्लेयर्स को कैसे कन्विंस करेंगे कि कराची आए। ये बिल्कुल सही बात है आपकी, हमें आपको पता है कितनी मुश्किल हुई थी फॉरेन प्लेयर्स को कन्विंस करने की कि लाहौर आए, मगर जब आ गए धक्का लगा के हमने कर लिया तो उसके बाद रास्ते खुलने शुरू हो गए। अब हमारी ये कोशिश है, जो मेरा प्लान है, अब अल्लाह करे कि प्लान कामयाब हो जाए, प्लान मेरा यही है कि वही रास्ता इख्तियार किया जाए, पहले यहाँ की सिक्योरिटी पक्की की जाए, फिर दिखाया जाए कि यहाँ की सिक्योरिटी इतनी अच्छी है, और वो दिखाया किसको जाए, वो दिखाया जाए ICC की सिक्योरिटी कंपनी, ICC की सिक्योरिटी कंपनी से ग्रीन लाइट और एक ग्रीन सिग्नल और एक NOC लिया जाए कराची। जब वो हमें मिल जाएगा तो फिर कोई भी फॉरेन प्लेयर वो ना नहीं करेगा। उसकी वजह ये है, वो ना इसलिए करते हैं कि उनकी जो प्लेयर्स एसोसिएशन है वो उनको इजाजत नहीं देती, मगर ये जो सिक्योरिटी कंपनी है इसका ताल्लुक डायरेक्टली इंटरनेशनल प्लेयर्स एसोसिएशन के साथ है। अगर ये ग्रीन लाइट दे देती है तो फिर रुकावटें कम हो जाती हैं, बहुत कम हो जाती हैं। तो मेरी यही कोशिश है कि ग्रीन लाइट इंटरनेशनल सिक्योरिटी कंपनी से ली जाए, उसके बाद फिर फ्रेंचाइजी से बात की जाए कि भाई अब ये हमने आपके लिए सारा कर दिया, अब आप अपने प्लेयर्स को समझाएं। अब पिछली दफ़ा ये हुआ था कि ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं कि हमारे फ्रेंचाइजीज मुतमईन नहीं थे, हर एक ने मुझे आके कहा रहने दें लाहौर में मत कराएं, खुदा ना खास्ता ये हो गया वो हो गया, तबाह हो जाएंगे हमारे अरबों रुपए लगे हुए हैं इसके अंदर, ये तबाह हो जाएगा वो हो जाएगा फलाना हो जाएगा। तो मैंने कहा यार अगर ऑमलेट बनाना है तो अंडा तो तोड़ना पड़ेगा, और ये सारी पाकिस्तान की आवाम की ये ख्वाहिश है तो ये अभी हमें करना चाहिए, इसको अब डिले नहीं करना चाहिए। तो हमने कर लिया, अल्लाह ताला के फजल करम से कामयाब हो गए, रास्ते खुलने शुरू हो गए। तो ये रिस्क लेनी पड़ती है। तो फ्रेंचाइजीज इस दफा मेरा ख्याल है रुकावट नहीं बनेंगे, उन्हें एहसास है इस बात का कि जो फैसला हमने किया था वो बेहतर था, वो सही था, और उसकी वजह से बहुत से रास्ते खुल गए। अब ये मुझे पता है कि ये बात जो है ये फरवरी में ये इशू बनेगा। अब फरवरी में क्या होगा, फरवरी में ये होगा कि उससे पहले श्रीलंका की टीम हो जाएगी, अल्लाह करे कोई इंसिडेंट ना हो, फिर वेस्ट इंडीज हो जाएगी। हर दफा कोई ना कोई टीम यहाँ से होके जाती है तो एक और NOC मिल जाता है, मोरे लगनी शुरू हो जाती है हरे रंग की। तो उस वक्त तक कोशिश है कि 3-4 और हरे रंग की मोरे लग जाएंगी। मेरा ये प्लान ये है कि अगर ये स्टेडियम हम कर लेते हैं तैयार, और उसके बाद फिर हम कन्विंस करेंगे प्लेयर्स को कि आप यहाँ 2 डबल हेडर्स कराची में खेलें, मतलब है कि 72 आवर्स के लिए वो आए, दे कम इन दे प्ले द मैच 2 मैचेस द नेक्स्ट डे 2 मैचेस द डे आफ्टर एंड लीव एंड गो टू लाहौर एंड वी प्ले द सेमी फाइनल एंड द फाइनल इन लाहौर, द 2 रन अप्स ओवर हियर और द 4 ऑफ देम हियर। तो सारे प्लेयर्स एक किस्म के पाकिस्तान से हो जाएंगे, 4 टीमें यहाँ और 3 टीमें वहाँ, ये 4 टीमें वहाँ। सो मैं समझता हूँ कि ये हमारा प्लान है। अब जाहिर है इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है, देखेंगे जब ये कोई प्रॉब्लम आएगा ये नहीं आएगा। बेस्ट केस सिनेरियो ये है कि कराची में 4 मैचेस हो जाएंगे और 3 लाहौर में हो जाएंगे। वर्स्ट केस सिनेरियो ये है कि लाहौर में 1 मैच होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। ये दिस इज द वे। छोटे सूबों और बड़े सूबों में जो मामले मुख्तलिफ मामलों पर कल क्रिकेट में ये चीज नजर नहीं आती कि उनकी नुमाइंदगी कम है। यार कैसे कम है मुझे समझ नहीं आती कैसे कम है। आईन एक है, पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों ने वो आईन हमारा पढ़ा है, उसके अंदर 16 रीजन्स हैं और टर्न बाय टर्न सारे रीजन्स रिप्रेजेंटिंग बोर्ड में रिप्रेजेंटेशन होती है। अब उसके बाद फिर क्या रह जाता है, और अब आप देख रहे हैं हर जगह पे हमारी कोशिश है कि इलेक्शंस करवाए जाएं और रिप्रेजेंटेटिव लोग आएं और इसको क्लीन अप किया जाए इस चीज़ को, और इसको ज़्यादा प्रोफेशनलाइज किया जाए। तो रिप्रेजेंटेशन तो है बिल्कुल, इनफैक्ट डिमांड ये है। मैं आपको बताऊँ, कुछ लोग कह रहे हैं जी 16 रीजन्स बहुत ज़्यादा है, इसको भी कम करें, पहले 12 होती थी आपने 16 कर दी, 8 कर ले रीजन, सबको मर्ज कर ले ताकि क्वालिटी क्रिकेट हो क्वांटिटी क्रिकेट ना हो। तो ये सारा वक्त ये आर्ग्यूमेंट्स बहस चलती रहती है, कोई एक बात कहता है कोई दूसरी बात कहता है, मगर अभी जो सिस्टम है जो आईन के अंदर है वो 16 रीजन्स हैं और मेरा ख्याल है 12 डिपार्टमेंट्स हैं, और 4-4 करके डिपार्टमेंट्स की बारी आ रही है और 4-4 करके रीजन्स की बारी आ रही है। मेरा आपसे सवाल ये है कि
अजीब इत्तेफाक है कि पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में ड्रोन हमले होना शुरू क्या हुए, आपने कराची को महसूस कर लिया ये सेफ सिटी है या मैच करा दी जाए? इससे पहले जिम्बाब्वे की टीम लाहौर में आई, पीएसएल लाहौर में हुआ, वर्ल्ड 11 की मैच लाहौर में, श्रीलंका का एक मैच भी लाहौर में होना है, वेस्ट इंडीज भी आके लाहौर में खेलेगी, लेकिन और अभी भी जब पिछले साल यानी पिछले सीजन में ऐलान हुआ कराची में फाइनल कराया जाएगा पीएसएल का, वो नहीं कराने की बात हो रही है, सिर्फ एक दो मैच देखे शायद हमारी तो पूरी कोशिश है, मगर मैं क्या करूं, मैं क्या करूं जी, मैं किस किस को समझाऊं और मनवाऊं? क्वेश्चन ये है, अभी आपने रीजन की बात की, सोलह रीजन की, कराची रीजन बहुत अहमियत का हामिल है जी, बिल्कुल। आपने देखा कि वनडे अंडर 19 हुआ, उसके अंदर भी कराची की दोनों टीमें फाइनल में पहुंची, अब थ्री डे हुआ है उसमें भी कराची की दोनों टीमें पहुंची। एक तो ये बता दीजिए कि क्या इम्पोर्टेंट दे रहे हैं आप जूनियर्स को कराची के स्पेशली, और सेकंड चीज जो है आपने रीजन की बात की इलेक्शन के हवाले से, कराची में जो 7 जोन है उनमें से 6 जोन के जो है इलेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं, एक जोन का इलेक्शन पेंडिंग में डाला जा रहा है, तो ये कब पूरा हुआ? सर इसके साथ ये भी क्लियर है कि इलेक्शन के लिए जो इलेक्ट्रोल है 2/3 का वो मुकम्मल है यहाँ पे। अच्छा। और दूसरा एक ये क्लियर है कि पेंडिंग में इलेक्शन कब होंगे वहाँ पे उनका बॉडी कब आएगी, बात ये वो कल क्रिकेट टूर्नामेंट जी जी। अर्ज है कि वो साहब जो जो एडजुडिकेटर के आगे हार गए हैं उन्होंने इजहार किया है ख्याल के जी वो पिटीशन करना चाह रहे हैं। हमने कहा जी 2-3 दिन में कर दें, नहीं तो हम फर्क कर देंगे इस चीज़ को, तो 2-3 दिन उनको दे रहे हैं और कर देते हैं, तो उसके बाद क्योंकि वो पिटीशन डिसमिस इसलिए हुई क्योंकि वो गए नहीं थे, तो वो उनका हक बनता है कि भाई हमारी बात तो सुन ली जाए, तो उन्होंने कहा जी हमें 2-3 दिन दे दें ले लें, क्योंकि अदरवाइज वो जाके अदालत में भाग जाएंगे, वहाँ फिर वही बात होगी, आपने मौका नहीं दिया इनको, तो बेहतर ये है कि उनको 2-3 दिन दे दिए जाए और अपना वो केस प्रेजेंट कर दें, बिकॉज उनका केस वही है ड्यूअल नेशनलिटी वाला कोई इशू है। अच्छा, तो वो सीरियस इशू है, इट्स नॉट अ स्मॉल इशू, तो वो कर लेने नहीं करते तो हम इलेक्शन फौरन अनाउंस कर देते हैं और अगले महीने की फर्स्ट वीक में हम इलेक्शन करवा देते हैं, और ये भी मैं आपको साथ कह दूँ एज सून एज द 7 रीजन आर कम्प्लीट हम उसके अगले महीने हम सारे रीजन के इलेक्शन करा देते हैं। कराची की दोनों रीजन टीमें जीती हैं 3 डे में भी और 1 डे में भी, तो उसके हवाले से बताइए क्या चाहते हैं? फॉर एग्जांपल उसका ये कोचेज जो है उसके कोचेज के हवाले से आप बात करें कि कोचेज को आप किस लेवल पे लेके जा रहे हैं, जो एक टीम को जितवा रहे हैं 3 डे भी जितवाया है उन्होंने, 1 डे भी जितवाया है, और उसके साथ क्या होता है मुझे तो नहीं पता, आप ही बताएं क्या चाहते हैं आप, क्या किया जाए? अप्रिशिएट तो करना चाहिए, कैसे बता दीजिए ना कैसे किया जाए आपकी तरफ से, बोर्ड के खजाने जो है, बात यह है कि हर साल अवार्ड मिलते हैं, इस साल जो पिछले साल के जो कोचेस थे उनको मिल गए हैं, अब इस साल जो कुछ हुआ वो अगले साल मिल जाए, खतरनाक आदमी आ गए। दो सवाल करूंगा मैं भी तो जवाब दे रहे हैं। एक सवाल ये है कि आपने जिस तरह बताया कि खुद माना कि स्टेडियम की हालत जार है, इतलात ये भी है कि इसको डेंजरस भी करार दिया गया था, इस पवेलियन में जहां बैठे हैं आपका चेयरमैन बॉक्स हो, ड्रेसिंग रूम्स हो, मीडिया रूम्स हो, कहीं पे भी जो है छतें गिर रही हैं उसकी, तो मेक ओवर करके आप जैसे आपने बताया कि अभी तो मैच करवा देंगे, इसका मतलब है कि PSL 4 जो है वो कराची में नहीं हो पाएगा क्योंकि ये बिल्डिंग सारी रेनोवेशन में होगी, आपने खुद का साल से 1.5 साल जो है वो लगेगा सारी कंस्ट्रक्शन में। यार मैं इसका कैसे जवाब दूं, ये टेक्निकल सवाल है, ये कोशिश हमारी यही है कि जितनी जल्दी हो सके इसको किया जाए, उसकी वजह ये है कि मैंने तो वो जैसे कहते हैं ना कि पेडल के ऊपर पैर रखा हुआ है कि यार इंटरनेशनल क्रिकेट आए, इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं सिर्फ लाहौर में हो सकती ना, कराची में नहीं होगी तो क्या इंटरनेशनल क्रिकेट हो, तो मेरी तो पूरी कोशिश है। अब प्रॉब्लम ये है मैं आपको बताऊं कि इतने रूल्स हैं ये टेंडरिंग के कि मैं उस दिन लड़ पड़ा अपने बंदों के, मैंने कहा यार अभी तक आपका टेंडर खत्म नहीं हुआ, उन्होंने कहा जी वो हुआ था उसमें ये प्रॉब्लम आ गई, वो पेपरा रूल्स थे, वो फलाने थे, वो नेस्पाक था, वो CDA, हर किस्म के उसमें इश्यूज आ जाते, तो ये वक्त लगता है इन चीजों का। अफसोस इस बात का है कि जो हमारी प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशंस थी उन्होंने इसका एहसास नहीं किया, मेरा ख्याल है कोई सोचता ही नहीं था कि इंटरनेशनल क्रिकेट आ सकती है, तो इसलिए उन्होंने किया ही कुछ नहीं, अगर ये 4 साल पहले कर लेते तो क्या। अच्छा दूसरा सवाल ये है कि कितनी बड़ी कामयाबी है वही टीम जिस टीम पे दहशतगर्दों ने हमला किया पाकिस्तान पे, इंटरनेशनल क्रिकेट उड़ गई वही टीम आ रही है, और साथ ही क्या इंटरनेशनल मीडिया जाती नहीं कर रहा कि उन प्लेयर्स के बारे में कह रहे हैं कि उनके टॉप प्लेयर्स आ ही नहीं रहे, इससे एक नेगेटिव मैसेज जाएगा, और क्या आप अपील करेंगे
कि हाशिम मामला डिविलियर्स जैसे टॉप प्लेयर्स आए तो श्रीलंकन प्लेयर्स भी अगर कुछ ऐसी सोच रखते हैं तो वो जो नहीं, है ऐसी बात नहीं है। मुझे श्रीलंकन बोर्ड के प्रेसिडेंट ने अश्योर किया कि फुल टीम आ रही है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि एक और चीज अब आपने जिक्र ही किया हाशिम मामला का, देखिए ना, अब साउथ अफ्रीका की टीम के 5-6 लोग तो हो गए ना यहाँ से, तो बड़े अच्छी मेमोरीज लेके गए हैं। मैंने बात की उनसे, अभी मैं आईसीसी के गया हुआ था तो वहाँ क्रिस दंजानी है, उनके जो हेड है, तो उनसे मैंने बात की। मैंने कहा कि आपकी लीग वीक तो कोई नहीं होनी, तो आप ये जो 6 हफ्ते हैं ये हमारे साथ कुछ कर लें, तो आप अपनी टीम के 5 लोग तो हो गए हमारे पास आ जाएं आप, और हम आपके पास आ जाते हैं ये 6 हफ्ते में। तो वो कहने लगे आइडिया तो बहुत अच्छा है मगर मुझे अपने बोर्ड की इजाज़त लेनी पड़ेगी। तो मैंने कहा देखिए अब सिक्योरिटी का तो इशू नहीं है, 5 लोग आपके हो गए। कहने लगा नहीं, वो तो मुझे एहसास है उस बात का। तो मैंने कहा अब आप फुल फ्लैश, व्हाई शुड यू नॉट कम एंड प्ले अ फुल फ्लैश सीरीज। तो कहने लगा मैंने अपने बोर्ड के आगे जाके पुट करता हूँ, मगर मुझे उसका परसों फोन आया था और आज मैंने सुना है उनकी बोर्ड की मीटिंग कंप्लीट हुई है। मैंने सुभान को कहा फौरन रब्ता करे और पता करे क्या उनका फैसला है, क्योंकि वहाँ 2 पॉइंट्स ऑफ व्यू थे। एक ये था कि इस पीरियड के अंदर हम अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट, क्योंकि उन्होंने की अपनी लीग जो थी डोमेस्टिक उसको पोस्टपोन किया था आपको पता, ताकि ये दूसरी लीग शुरू हो जाए। अब वहाँ एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि नहीं, उसको पोस्टपोन किया था वो कैंसिल करें अपनी खेलें इसको। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू जो हम कह रहे हैं कि भाई वो उसको पोस्टपोन किया तो रहने दें उसको पोस्टपोन, ये 6 हफ्ते हमारे साथ आके खेल लें और हम आपके पास आके खेल लेते हैं, 4 पैसे आप बना लें, 4 पैसे हम बना लें और आवाम खुश हो जाए। तो उनको मैंने बड़ा समझाया था कि जाके ये पॉइंट, वो ही वाज वेरी सिंपथेटिक, मगर मुझे उसने ये कहा कि बोर्ड के अंदर बड़ा प्रेशर है कि नहीं नहीं नहीं, वी मस्ट प्रमोट आर ओन, अगर वो नहीं हो रही तो ना सही, मगर हमने और वन ऑफ द रीजंस वो हारून लोगाट साहब के ऊपर जो क्रिटिसिज्म भी ये था कि उन्होंने लीग को स्टिच अप करने से पहले ही अपनी लीग पोस्टपोन कर दी और दूसरी लीग को तैयार नहीं किया, इसकी वजह से दोनों रह गए। तो वहाँ अब आज क्या फैसला हुआ है आई डोंट नो, बट हो सकता है ये फैसला हुआ हो कि अपनी डोमेस्टिक लीग ही खेलेंगे, हो सकता है ये हो कि हमारे साथ बातचीत की जाए, आज हमें पता चल जाएगा, जैसे पता चलता है हम आपको बता देंगे। यार बड़ा मुश्किल है ये कहना, देखिए ना ये सारा सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता कदम, अब खुदा ना खास्ता कहीं रास्ते में कोई गड़बड़ हो जाती है, तो आप खुद ही सोचिए।